हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनु अमाय स्किन केयर। और मैं हूं अनु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम कोकोनट ऑयल और फिटकरी यानी एलम को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो हमको कितने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। हमने कोकोनट ऑयल अपनी स्किन के लिए, अपने फेस के लिए, अपने बालों के लिए बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। फिटकरी नॉर्मली पुरुषों के सेविंग किट में होती है, हल्के कट्टे छिल्ले में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कई बार हम पानी को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बट क्या आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बन के तैयार होता है जो आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, क्योर कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखेंगे इन दोनों को मिक्स किस तरह से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेनी है फिटकरी यानी एलम। इसको अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। इसको पाउडर बनाने के लिए मैंने खरल का इस्तेमाल किया था। अब हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें फिटकरी पाउडर ऐड कर लेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून हमको कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिंपल सा दिखने वाला नुस्खा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल में एंटी माइक्रोबिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। साथ ही साथ ये एंटी फंगल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन को हाइड्रेट करने का भी काम करता है। अगर हम बात करें फिटकरी यानी एलम, तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ होता है। साथ ही साथ जब इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो इन दोनों की जो कैपेसिटी है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कई गुना बेहतर तरीके से काम करती हैं। तो देख लेते हैं हम इसको कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। फेस पे पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों को मिक्स करके फेस पे अच्छी तरह से लगा लीजिए। बिकॉज फेस पे पिंपल्स और एक्ने पहले से हो रखे हैं तो आपको रब नहीं करना है, रब करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप इसको सिर्फ लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए कॉटन बॉल की हेल्प ले सकते हैं। अच्छी तरह से फेस पे लगा लीजिए, 10 से 20 मिनट तक इसी तरह से लगा रहने दीजिए। इसके बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। ये आप पर डे इस्तेमाल करिए। देखिए, 6 से 7 दिनों में आपके फेस से एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम कम होने लगती है। साथ ही साथ अगर आपको एक्ने स्पॉट्स फेस पे हो रखे हैं तो उसको भी ये धीरे धीरे रिमूव कर देता है। बट इसको आपको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप फटी एड़ियों से गुजर रहे हैं, बहुत लोग को मैंने देखा है, वेदर कुछ भी हो, उनकी जो हील्स हैं वो क्रैक्ड ही रहती हैं, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको करना क्या है, कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसमें फिटकरी ऐड कर लीजिए। इसको आप अपने पैरों पे दिन में 2 बार लगाइए। मींस एक बार आपको सुबह लगाना है, एक बार सोने से पहले रात में इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी जो क्रैक्ड हील की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कभी हल्का बर्न हो जाता है, जो नॉर्मली किचन में काम करते हुए हो जाया करता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके उसमें भी राहत पा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा फिटकरी पाउडर, और जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे और इसमें एक इंग्रेडिएंट हमको और ऐड करना है, वो है एलोवेरा जेल। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जहाँ पे आप जल गए हैं वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से लगा के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो जलन हो रही थी वो भी कम हो जाएगी और ये इसका दाग रहने नहीं देगा। बट याद रखना है, ये हल्के जलने में इस्तेमाल करना है। अगर बर्न ज़्यादा हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल और एलम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी स्किन एजिंग करने लगी है। मींस कम एज में आपके फेस पे फाइन लाइंस या रिंकल्स दिखने लगी हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, फेस पे अच्छी तरह से मसाज देते हैं,
आप पर डे सोने से पहले ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके फेस की जो स्किन है वो टाइटन हो जाएगी, साथ ही साथ आपके फेस पे ग्लो भी आएगा। इसलिए ये बेहतरीन एंटी एजिंग का काम भी करती है। अगर आपको फेस पे, नेक पे या हाथ पैर पे कहीं भी टैनिंग की शिकायत हो गई है, आप धूप में ज़्यादा निकलते हैं, सनबर्न हो गया है, तो अगर आप फिटकरी को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हैं और कम से कम 10 से 20 मिनट तक इसी तरह से लगा रहने देते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे उसके बाद तुरंत ही आपको लगेगा आपकी स्किन पहले से बेहतर टोन में है और सन टैन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। 2 से 4 दिन रेगुलर इस्तेमाल कर लीजिए, सन टैन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। फेस पे इसको लगाइए, हल्का सा मसाज दीजिए, 2 से 3 मिनट तक लगा रहने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा। वीक में एक बार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, डेड स्किन सेल्स इकट्ठा नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोगों को सर्दी हो या गर्मी हो हमेशा बालों में डैंड्रफ बना रहता है, ऐसी सिचुएशन में आप कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करके उस पर फिटकरी का पाउडर बना के मिक्स करिए जैसे मैंने आपको बताया है, और बालों में लगाइए। कम से कम 10 से 20 मिनट तक उसी तरह से रहने दीजिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। 2 से 3 इस्तेमाल में ये बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसी तरह का कट लग जाता है तो भी इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कट हल्का हो तो ही इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा लग गया है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।